जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था 7-7.5 महीने लग जाते हैं 100 kg करने के अंदर, इतना लग जाता है। अगर जो फीड वाले कंपनी वाले कहते हैं तो एक मार्केटिंग वो होती है उनकी स्किल्स की, एवरेज मान के चले तो 6.5-7 महीने 6-7 महीने लोन देखे जो कहते हैं। अब पता नहीं, हमें तो कभी लोन, हमने ट्राई करा लेकिन लोन नहीं मिलता इसके अंदर, और करें ये मुनाफे का सौदा है, इसके अंदर नुकसान कुछ नहीं है। मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी चीज़ है, आप खोलिए और लोग आपके पास आएंगे, मटेरियल आपका लेके जाएंगे। जैसे कि लिकर शॉप होती है कि अपने आप लोग आते हैं, आपको कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे इसके अंदर बताइए मेरे पास माल रखा हुआ है, इतने बच्चे हैं और लोग आपके पास आएंगे और आपका माल लेके जाएंगे, एडवांस में पैसा देंगे। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार जी सर, सबसे पहले एक परिचय दें अपना। मेरा नाम सुमित कुमार जी, अभी हम बैठे हैं अनोखा फार्म के अंदर, और ये अनोखा फार्म है आपका जिला बुलंदशहर के अंदर। समस्या आपको क्या क्या इसमें आई थी जब आपने फार्म स्टार्ट किया था सर? समस्या हमारे पास जो स्टार्टिंग में आई थी, हमारे पास आई थी, हमारे मोर्टिलिटी होने लगी थी बच्चों की, कुछ बच्चों को निमोनिया बन गया था, हमें पता ही नहीं था उनको कैसे क्लीनिंग रखना है, सफाई रखनी है उनकी, ठीक है, उसकी वजह से मोर्टिलिटी हमारी थोड़ी बढ़ गई थी, और उनके फिर मेडिसिन का हमें, वैक्सीन का हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो हमारे बहुत समस्या आई। लेकिन धीरे धीरे हम डॉक्टर से कंसल्टेशन कर करके, ट्रेनर से कंसल्टेशन कर करके हम उन चीज़ों को सीखे, और हमने आज के टाइम में अब मोर्टिलिटी ना के बराबर कर दी है और हम प्रॉफिट की तरफ चल चुके हैं। दूसरा सर, एक एनिमल कितने दिन में 100 kg का हो जाता है? कुछ कहते हैं 5 महीने में, कोई कहता है 5.5 महीने, कोई कहता है 6। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके फार्म पे? देखिए मुझे तो जब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था 7-7.5 महीने लग जाते हैं 100 kg करने के अंदर, हाँ जी इतना लग जाता है। अगर जो फीड वाले कंपनी वाले कहते हैं तो एक मार्केटिंग वो होती है उनकी स्किल्स की, एवरेज मान के चले तो 6.5-7 महीने 6-7 महीने लग जाता है उसके अंदर, अगर आप कंपनी की फीड खिला रहे हैं। कंपनी फीड खिला रहे हैं जी, नहीं अपनी फीड खिला रहे तब भी इतना बन जाएगा। तो फीड आप कंपनी खिला रहे हैं या खुद की फीड बना रहे हैं? अब तो हम अपनी फीड बना रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों आप चेंज आ गए, कंपनी से आप खुद की फीड पे क्यों आए? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ना, कंपनी की जो फीड होती है उनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, उन्होंने अपनी कंपनियों को अगर फीड के अंदर मार्जिन इतना रखना पड़ता है, तो मुझे लगता है उस मार्जिन को क्यों ना स्क्वीज करके हम बचाएं, सेविंग करें, वो अर्निंग होगी हमारी, जो सेव करेंगे वो अर्निंग होगी। मार्केट के अंदर आज के टाइम में अगर 3500 रुपये किलो के आसपास एक एवरेज फीड है कंपनी का, अब वही हमारा फीड अगर बनता है 24-25 रुपए किलो, तो 10 रुपए तो बहुत होता है पर केजी के हिसाब से। यानी अगर अपनी फीड फार्मर बनाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सकता है, ज्यादा गेन करेगा, प्रॉफिट में फार्म अपना लेके आ सकता है। तो सुमित जी आपको डर नहीं लगा कि मैं नया एक बिजनेस में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, वो भी एक एनिमल है, तो फिर कैसे आपने मन बनाया अपना, वो जो चल रहा था मन में वो थोड़ा एक्सप्लेन करें सर? नहीं, शुरू में हमें लगा कि हम जो है पिगरी के अंदर अगर जाएंगे तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ओवरऑल एक नया एक्सपीरियंस था ये जी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अंदर हमने इतना देखा कि इस एक्टिविटी के अंदर अगर जो बेनिफिट्स हैं हमें ओवरऑल अगर किसी और लाइफ स्टॉक से ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके अंदर जाए, चैलेंजेस हमें लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित जी अगर आपके सफ़र की बात करें तो आपका सफ़र कैसा हुआ, कैसे आपने स्टार्ट करा, कैसे आपको विचार आया पिगरी फार्म का? देखिए हम तो बेसिकली इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे थे अपना पोल्ट्री के अंदर जी, लेकिन उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट और उसके अंदर देखा हमने बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं और बीच में बर्ड फ्लू कई बार आता है, तो हमने एक ऐसा ऑप्शन देखना था जिसके अंदर मोर्टेलिटी हमारी कम से कम हो और साथ में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो और हमें जो ना बेचने की चिंता ना हो कहीं पर भी जी, हमारा माल जहाँ हम हैं वहीं से उठ के चला जाए, तो हमें सबसे अच्छा विकल्प ये लगा पिगरी फार्म के अंदर जी। तो इसके अंदर ना बेचने की समस्या है, बस खाली मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो हम उसको प्रॉफिट अच्छा उसके अंदर हम कमा सकते हैं। तो कितने एनिमल्स आपने स्टार्ट करा? हम लेके आए थे हमारे पास 50 एनिमल्स थे, 2 बोर्ड थे हमारे पास, हमने स्टार्ट करा जिसके अंदर 30 हमारे पास में फीमेल थी, 20 हमारे पास पिगलेट थे, उसके बाद में 2 बोर्ड थे हमारे। कितना खर्चा सर आपको आया था स्टार्टिंग में? एनिमल्स हमारे आ गए थे 5.5-5.5 लाख के अंदर हमारे उस टाइम पे जी, 2020 के अंदर, और उसके बाद से हमने जो है ये शेड के अंदर हमारा थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा लगी जी। सुमित जी अक्सर देखा गया है कि लोग जो पिग फार्म बनाते हैं जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता बजट कितने हिस्सों में डिवाइड करें, लाइक ब्रीड पर कितना खर्च करें, एनुअल पे कितना खर्च करें, फार्म पे कितना खर्च करें, शेड पे कितना खर्च करें, और जो बहुत ज़रूरी है बैकअप पे कितना खर्च करें, लोग बैकअप नहीं रखते हैं अपने पास में। सर इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है ब्रीड, एक तो आप देखेंगे तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो ब्रीड अच्छी ब्रीड के अंदर नॉर्मल ब्रीड के अंदर आपको लगेगा ज़्यादा नहीं होगा 20% 20% के आसपास आप जो है उसके अंदर महंगी बैठती है वो, लेकिन अच्छी ब्रीड के साथ साथ में वो ज़रूरी है आपको जो पिगलेट्स वगैरह आपके प्रॉफिट आप अच्छा ले सकें, और उसके अंदर ब्रीड के अंदर एक तो हमारा एक कंसर्न रहना चाहिए कि हमें ब्रीड अच्छी लेनी है, शेड हमें थोड़ा सा हमारा जो मिनिमम से मिनिमम चीज़ के अंदर चल सके हमें वो रखना चाहिए, शेड के ऊपर खर्चा रखना चाहिए, और साथ में हमें रखना चाहिए कि बैकअप के अंदर हमें जो फीड इसका मैनेज करना है आगे खिलाना है उसका हमें बैकअप तैयार रखना चाहिए। ब्रीड पे क्यों फोकस करना चाहिए किसी फार्मर को? ब्रीड देखिए अगर अच्छी ब्रीड होगी तो हेल्दी पिगलेट्स होंगे, हेल्थ जल्दी से जल्दी वो 100 kg का वेट गेन करेंगे और जल्दी हम मार्केट में बेच पाएंगे उसको, अगर ब्रीड प्रॉपर नहीं होगी अच्छी नहीं होगी तो उसको हमें एनिमल को 100 kg ले आने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है
और कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है उसके अंदर, बच्चा मर भी जाता है, तो हमें प्रॉफिट कम हो जाता है उसके अंदर, इसलिए एक ब्रीड बहुत जरूरी चीज़ है। कितना एरिया है सर आपके फार्म का? एरिया हमारा लेंथ है जी 130 फुट और चौड़ाई इसकी 50 फुट है। दूसरा शेड हमारा एक और है ऐसे ही, ये है, दो शेड हैं हमारे। तो सर आपने ट्रेनिंग ली थी इसकी? मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये मेरा थोड़ा गलती रही मेरी स्टार्टिंग में, इसलिए हमने मुसीबत भी झेली इसके लिए। और धीरे धीरे कहते हैं ना, गाते गाते गविया बन जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सीख गए इसके अंदर भी। तो लेकिन ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी चीज़ है इसके अंदर। जो भी फार्मर अगर खोलना चाहता है पिक फार्म, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज़ है। जो ट्रेनिंग ले, ट्रेंड हो, उसके अंदर सीखे क्या क्या उसके अंदर कमियाँ आती हैं, बीमारियाँ क्या आती हैं, मैनेज हमें कैसे रखना है, फीड हमें कैसे मैनेज करना है, प्रोटीन लेवल क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें ट्रेनिंग के अंदर पता चल सकती हैं। काफ़ी भाई का क्वेश्चन होता है सर, लोन कहाँ से लें, क्या लोन मिलता है सर? इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? लोन देखिए, जो कहते हैं आप, पता नहीं, हमें तो कभी लोन, हमने ट्राई करा लेकिन लोन नहीं मिलता इसके अंदर जी। और लोगों ने भी ट्राई करा, ये बस यही होता है कि जो बैंक भी अगर कोई लोन देगा, तो ऐसा है कि आपने किसी ने जेवरात रखे, किसी ने घर रखे, किसी ने ज्वेलरी रखी, तो उसके अंदर फिर वो पिगरी पर लोन नहीं हुआ। आपने अगर कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी अपनी देके फिर लोन लिया, तो वो प्रॉपर्टी पे लोन हुआ, ना कि पिगरी पे लोन हुआ। Exactly. तो पिगरी पे कभी लोन नहीं होता है। यानी वो जो बेनिफिट्स हैं, हाँ, जो होने चाहिए वो नहीं मिलते नहीं हैं। वो तो कभी भी कोई भी कहीं भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता कुछ भी। तो सर एक जो फीमेल है वो कितना एवरेज बच्चे देती है, औसत की अगर बात करें तो कितने बच्चे वो देती है? हमारे यहाँ देखिए, किसी कोई 14 भी देती है, कोई 12 भी देती है, और 9 से नीचे तो कोई हमारी देती नहीं है। 9 तो मिनिमम रहता है हमारा, तो इससे हाई रहता है हमारा। एक फीमेल पे खर्चा कितना आता है सर, स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना खर्चा आता है, फीड पे क्या आता है, क्या वो मुनाफा देके जाती है? शुरू से लेके 100 kg तक के अंदर देखिए, हम अगर कटिंग के लिए माल अगर देखते हैं, तो 100 kg पहुंचाने में हमें लग जाते हैं 8,000 रुपये, 8,500 तक लग जाते हैं। इतना हमें लग जाता है जी, और वो हमारा बिक जाता है 13-14 हज़ार के अंदर बिक जाता है। आप क्या सलाह देना चाहते हैं भाई को, जो उनके पास कम बजट है, वो उनको शुरू फार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कैसे, अपने बजट को डिवाइड करें, कितना बजट को लेके चलें, कितने एनिमल्स को स्टार्ट करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि पिगरी फार्म अगर वो कर सकते हैं तो करें उस चीज़ को, चाहे कम एनिमल्स से स्टार्ट करें, शेड को ज़्यादा अच्छा ना बनाएं, बेयर मिनिमम उसके अंदर फैसिलिटी रखें, और उसके साथ शेड बना के स्टार्टिंग करें, भाई ये देखें मेरे को फीड इनको खिलाना है, और करें, ये मुनाफे का सौदा है, इसके अंदर नुकसान कुछ नहीं है। सर मार्केटिंग कहाँ अपना सेल कर सकते हैं, कुछ समस्या मार्केटिंग की है इसमें नहीं है? ना, मार्केटिंग मुझे तो ऐसा लगता है ये ऐसी चीज़ है, आप खोलिए और लोग आपके पास आएंगे, मटेरियल आपका लेके जाएंगे। जैसे कि ना लिकर शॉप होती है कि अपने आप लोग आते हैं, आपको कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे इसके अंदर बताइए मेरे पास माल रखा हुआ है, इतने बच्चे हैं, और लोग आपके पास आएंगे और आपका माल लेके जाएंगे, एडवांस में पैसा देंगे, ये भी नहीं, क्रेडिट का भी कोई उसके अंदर चक्कर नहीं है। आई थिंक ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, पैसे की मार्केटिंग कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है बिजनेस में। आप क्या सलाह देना चाहते हैं सर हमारे फार्मर को, जो युवा बेरोजगार हैं? देखिए ये बेरोजगारों को तो ऐसा ऑप्शन सोचना चाहिए हमारे लिए कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, पहली बात तो ये, उनको तो सोचना चाहिए, और साथ में अगर कोई चाहते हैं कि हमारे एक अल्टरनेट बिजनेस हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है पिगरी के अंदर, कि हमेशा प्रॉफिट आप अच्छा इसके अंदर अर्न कर सकते हैं दूसरे लाइफ स्टॉक एनिमल्स की बजाय। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।